सी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह। पुलवामा हमले के बाद देश की जनता में आक्रोश व्याप्त था। देश की जनता हमले का बदला चाहती थी और आज देश की वायुसेना ने आखिरकार पुलवामा हमले का मुंह तोड़ जवाब आतंकिस्तान को दे ही दिया, जहां वायुसेना ने LOC को पार करते हुए जैश के आतंकी ठिकानों सहित कई आतंकी संगठनों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। पुलवामा अटैक में 40 जवानों के शहीद होने के बाद से भारत द्वारा किसी बड़ी कार्रवाई का अंदेशा जताया जा रहा था और भारत के प्रधानमंत्री ने इस हमले के बाद ही बड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही थी और आतंकवादी और उनके सरपरस्तों को आगाह भी किया था कि भारत से दुश्मनी लेकर वह बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। दुनिया के कोने कोने में इस आतंकी हमले की निंदा हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत की स्थिति भांपते हुए यह आशंका जताई कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। The terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation and it's a very dangerous situation between the two countries and we would like to see it stop. A lot of people were just killed and we want to see it stopped. We're very much involved in that. Yes, if that's what you're referring to. पुलवामा हमले के बाद जिस कार्रवाई की आस पूरा देश लगाए बैठा था, आखिरकार उस बदले की ओर पहला कदम भारतीय वायुसेना ने आज सुबह होने से पहले ही उठा लिया। पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर बेहद बड़ी कार्रवाई की और LOC को पार कर भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने जैश के ठिकानों के साथ ही कई आतंकी संगठनों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 1000 किलो बम गिराए जिसमें सूत्रों के हवाले से 300 आतंकवादियों के मरने की खबर मिली। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से साउथ ब्लॉक में बने सिचुएशन रूम में पूरे ऑपरेशन की निगरानी की और एयर स्ट्राइक का पूरा प्लान खुद वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने बनाया था। इस कार्रवाई को भारत की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है और भारतीय वायुसेना का यह ऑपरेशन सिर्फ 21 मिनट तक चला। वहीं पूरे हमले की जानकारी देते हुए भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने अपने बयान में यह बताया कि भारत के जवाजों ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की जिसमें जैश सरंगना मसूद अजहर के साले यूसुफ अजहर सहित कई प्रशिक्षण ले रहे आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि भारत सरकार की ओर से मारे गए लोगों की संख्या का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। Alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुरू की रैली में कहा कि आज देश का मिजाज अलग है और उन्होंने ये भी कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को
नमन करें, सर झुका करके नमन करें। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वायुसेना द्वारा की गई इस बड़ी कार्यवाही से पूरा देश आज बेहद खुश है। साथ ही तमाम पार्टियों के नेताओं से लेकर बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों ने इस शानदार कारनामे और इसकी सफलता के लिए भारतीय वायुसेना को बधाई भी दी है। देश में कई जगह तो देशवासी जश्न मनाते हुए भी दिखाई दिए और सी न्यूज भी आज तमाम शहीदों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना को, उनके बुलंद हौसले को और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है।